ये जो डिवाइड है ये गलत है। मेरी कितनी सारी फिल्में रीमेक करते हैं उधर, नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, स्टॉप इट। मैं अल्लू अर्जुन एक फिल्म साथ में करें, ये फिर लड़ाई शुरू कि हिंदी ये होनी चाहिए, वो ये गुजराती ये होनी चाहिए, तमिल ये होना चाहिए। अरे छोड़ो यार, मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा भी दौर चला है कि अब बॉलीवुड की फिल्म्स इतनी चल नहीं रही, अब टेक ओवर कर लिया है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने, RRR, KGF, अल्लू अर्जुन ये सब चला करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हॉलीवुड में कहानियों पे कम जोर हो रहा है या कोई ऐसा केमिस्ट्री या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साउथ की फिल्म्स यूज़ कर रही हैं जो बॉलीवुड इस वक्त नहीं कर रही? देखिए ये पहली बात है, नॉर्थ हीरोज़ साउथ हीरोज़, ये जो डिवाइड है ये गलत है। जैसे हमको हिस्ट्री की किताब में इसमें भी लिखा हुआ है, डिवाइड एंड रूल पे नहीं रहना चाहिए। मैं इस चीज़ पे मानता ही नहीं हूँ कि ये नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्री है, ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ दिस इज ऑल अ इंडियन इंडस्ट्री एंड दैट्स अ फेरी टेल। नो, नॉट अ फेरी टेल, इट इज द राइट टेल। द थिंग इज देयर इज नोबडी हु वांट्स टू से अबाउट इट, दिस इज द राइट टेल, देयर इज नथिंग एल्स। क्यों, गुजराती फिल्में भी बनती हैं, वो भी तो हमारी हैं। आज मैं कितनी सारी फिल्में बनाई है, मेरी कितनी सारी फिल्में रीमेक करते हैं उधर। ओ माय गॉड, मेरी पहली वाली जो थी वो रीमेक की, कितनी सारी और मैंने उनकी फिल्में रीमेक की हैं। रावड़ी राठौड़ बनाई थी, है? लोग बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, व्हाई डू यू रीमेक क्यों करते हो? क्यों ना करूँ? मैं तो करता हूँ। मेरे को तो मैं अगर कोई अच्छी कहानी हो उसके ऊपर जरूर काम करना चाहूंगा। एंड व्हाई शुडंट आई, बिकॉज दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो आवर इंडस्ट्री एंड आवर इंडस्ट्री इज देयर इंडस्ट्री एंड वी आर ऑल वन इंडस्ट्री। सो आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर वेयर इट इज अबाउट, बिकॉज मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, स्टॉप इट, इट इज वेरी ओल्ड एंड वी आर कमिंग अप टू द फैक्ट दैट डिवाइड एंड रूल व्हाट ब्रिटिश यूज्ड टू डू इट एंड वी आर नॉट, वी शुड नॉट टू डू इट, वी शुड ऑल कम टूगेदर। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अल्लू अर्जुन एक फिल्म साथ में करें, उनके कोई हीरो सब कोई साथ है, में करें। कोई है स्क्रिप्ट? मुझसे कुछ लोगों ने कहा भी है अल्लू अर्जुन के लिए, पर जो मैं अक्षय की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारी इस देश की 22 जो भाषाएं जो हम कहते हैं वे सारी भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी प्रमुख है कि नहीं? हिंदी राजभाषा के तौर पर आती है, सब चाहते हैं, गांधी जी भी चाहते थे कि वो राष्ट्रभाषा का स्थान ले, और वो राष्ट्रभाषा का स्थान लेना चाहिए, ये मेरा एक अभिप्राय है, मैं निर्णय नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा। लेकिन संपर्क की सबसे बड़ी भाषा इस देश में मैं समझता हूँ कि हिंदी है, और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मुझे कोई, जब मैं एक साहित्य दूसरी भाषा में पढ़ता हूँ और विश्व का श्रेष्ठ साहित्य वो स्पेनिश में भी क्यों ना लिखा हो, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, तो फिल्मों को क्यों नहीं एक दूसरे की भाषा में उसको बदलना चाहिए? और यदि मैं अंग्रेजी को स्वीकार करता हूँ, मुझे अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हिंदी की माँ जैसी ही भाषा है, लेकिन दक्षिण और उत्तर की भाषा में फिर द्वंद क्यों होना चाहिए? फिलोसॉफिकल पोजिशन ये है, पर आप समझते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी इस पर है ये नीडलेस है या एक फिर वन ऑफ दोज आइडेंटिटी ये हिंदी भाषाओं को? सबकी मदर टंग बहुत कमाल की होती है, साड़ी पंजाबी। भाई व्हाई नॉट, आई से माय मदर टंग इज पंजाबी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं तो कहता हूँ मुझे पंजाबी अच्छी लगती है, उनकी कुछ और होगी, वो कहते हैं उनकी मदर टंग, वो अलग, सबकी मदर टंग है। अब बोलते रहे अपनी अपनी मदर टंग, बोलते दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया। एंड ये फिर लड़ाई शुरू कि हिंदी ये होनी चाहिए, वो ये गुजराती ये होनी चाहिए, तमिल ये होना चाहिए। अरे छोड़ो यार, अपनी अपनी मदर टंग बात करिए। कितनी भाषाएं सर हमारे यहाँ? 22 हम लोग 22 भाषाएं।